बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम हमारी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल आप सबका? ठीक ठाक उम्मीद करती हूँ जहाँ भी बहन भाई होंगे अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम कहते हैं आज आपको एक नए ब्लॉग में। आज का ब्लॉग जो है नहीं बना रहे हैं जी नए साल का, और हम यहाँ पे लेने आए हैं बच्चों के लिए पटाखे, ज़िद कर रहे थे। तो ये आप मेरे पीछे देख रहे हैं सारी दुकान जो है यहाँ पे हर चीज़ मिल जाती है। ये नतालों की चीज़ें जो 25 दिसंबर गया है क्रिसमस की, और हम यहाँ पे पटाखे लेने के लिए आए हैं। बच्चे ज़िद कर रहे थे तो ये देखिए ये भी सारे यहाँ पे पटाखे पड़े हुए, देखते हैं जब क्या पटाखे लेते हैं। ज़्यादातर फुलझड़ियाँ ही नहीं लेके दूंगी, और मैं आपको फिर दिखाती हूँ कि जी कौन से पटाखे लिए। यहाँ से हर चीज़ ना मिल जाती है जी। अब आपको हम पटाखे दिखाते हैं। यहाँ पे काफ़ी रश लगा हुआ है यहाँ पे, और ये यहाँ पे पटाखे लगे हुए, ये अनार वगैरह लगे हुए हैं यहाँ पे, ये काफ़ी फुलझड़ियाँ हैं। और ना प्राइस भी पटाखों के बहुत ज़्यादा है इधर। और बच्चों ने ये लिए हैं, सारी ने फुलझड़ियाँ ही लेके दी, और एक वो फूक वाला बम्ब होता है जो पाकिस्तान में हमारे, वो लेके दिया इनको मैंने। ये वाले इन्होंने लिए, अभी आपको फिर हम घर जाके दिखाएंगे। अभी बीच में रखो, फिर बाद में, अभी ले लो ना जो चाहिए, फिर बाद में देखेंगे। उस साइड पे भी पटाखे पड़े हुए हैं। ये देखे यहाँ भी पड़े हुए, यहाँ पे लिखा भी है कि 18 साल के जो बच्चे हैं ना वो ही इसको, जो बड़े बम है वो ही खरीदे। ये छोटे भी यहाँ पे लगे हैं। कल ज्यादा रश होगा यहाँ पे। वहाँ पे बच्चे खड़े हुए, और ये बहुत जो है ना बहुत बड़ी जो है ना मार्केट बनी हुई, बहुत ज़्यादा इधर हर चीज़ है तकरीबन यहाँ पे, आपको नज़र आ रही होगी यहाँ पे। चलें जी, बच्चों ने मेरे ख्याल ले लिए पटाखे, देखते हैं। अच्छा, और ये ऊपर भी लगे हुए यहाँ पे। चले चलते आगे। और ये जो खड़ी हुई है ये यहाँ पे बता देती जो चीज़ चाहिए ना, हेल्प करती है यहाँ पे। देखें यहाँ भी लिखा है कि 18 साल तक के बच्चों के लिए है, और इन्होंने ये लिए। बस और तो नहीं कुछ लेना? चले नहीं, बस सारे यही लेने, खतरनाक वाली चीज़ नहीं कोई लेनी जो नुकसान दे। ये जैसे ये देखें, ये मुझे खुद बहुत डर लगता है, ये भी हैं, इनको जैसे चलाएं तो सारे लगातार बजेंगे। ज़्यादा बड़े वाले भी हैं और ये भी छोटे वाले भी हैं। ये देखें, मुझे बहुत डर लगता है इन चीज़ों से ना, छोटे तो जैसे ये फूक वाले बम जैसे हमारे वहाँ पे पाकिस्तान में होती हैं वो, ये लेके दिए, इससे मुझे डर नहीं लगता, इनसे भी नहीं लगता, फुलझड़ियों से भी नहीं लगता, लेकिन ये जो दूसरे ये अनार वगैरह इनसे भी नहीं लगता, लेकिन दूसरों से मुझे बहुत डर लगता है। चलें जी चलते हैं अब काउंटर पर, फिर आगे आपको हम दिखाते हैं। और ये कासे पे भी पटाखे रखे हुए इन्होंने। ये देखे काफी रश लोगों का लगा हुआ है। काफी सामान है, हर चीज है। ये पार्टी के लिए जो इन्होंने नए साल की करनी है, इन्होंने डिस्पोजल कप और चीज़ें वगैरह ख़रीदी हैं। यहाँ तो बाहर के मुल्क में बहुत जश्न मनाया जाता है। ये देखें जी ये सामान इन्होंने लिया, और ये और अब हम जा रहे हैं जी बाहर की तरफ। पटाखे इन्होंने ले लिया, अब आपको हम घर जाके दिखाते हैं। इन्होंने ये इसमें डाले हैं, बहुत ज़्यादा पटाखे इन्होंने ले लिए, हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। अब आपको घर जाके दिखाते हैं। हमारी YouTube फैमिली, हम आ गए हैं घर, और जी ये देखिए कितने सारे पटाखे ले हैं, ये 40 यूरो के पटाखे लेके आ गए।
ये देखें ये ली है, ये भी फूलझड़ी जो आपको पता केक वगैरह पे भी लगते हैं उस टाइप की है ये भी, और ये भी फूलझड़ी है। ये ली है इन्होंने, यानी कि दोनों बहन भाइयों की मिक्स ही हैं, और ये भी फूलझड़ी कलर वाली है, ये भी इन्होंने ली है। और जी ये पटाखे हैं जो फीता बम्ब है, एक को आग लगाएंगे तो सारे ठक 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 जैसे ना बजना शुरू हो जाएंगे लगातार, ये भी दो ही लिए। मैं इन चीज़ों को मैं नहीं पसंद करती, ये फूलझड़ी वगैरह ये चीज़ें ठीक है। और जी ये भी फूलझड़ी है, ये बहुत बड़े साइज की फूलझड़ी है यहाँ पे, और वजनी भी काफ़ी है। ये भी इन्होंने कितनी ज़्यादा ले आई हैं, छः लिए इन्होंने, छः ये भी लेके आए हैं। और इसके अलावा ये भी इसी टाइप के बम्ब हैं, इनको भी आग लगाई जाएगी, इसको भी आग लगाएंगे। और ये भी वही चीज़ है पटाखा, ये भी फीते वाला, देखे दान कितने ख़तरनाक से बनाए हुए। ये भी दो डब्बियाँ ली हैं इन्होंने, साथ हमने लिया जी लेटर, क्योंकि जाहिर बात है पटाखे चलाने थे तो लेटरों की भी ज़रूरत थी, तो दो लेटर भी लेके दिए फिर इनको। और जी ये हैं वो फूक वाले बम जो आपको बताया था, ये लिए, ये बड़े साइज़ में हैं, और जी ये भी उसी टाइप के हैं, और ये भी उसी टाइप के हैं, ये भी इन्होंने कितनी चार डब्बियाँ इस चीज़ की ली हैं, और ये भी बम भी हैं, यानी कि ये इतने ख़तरनाक नहीं है ये वाले जो है ना, ये बच्चों के हिसाब से बिल्कुल ठीक है। ये कि ये ज़रा थोड़े से मुझे ख़तरा सा लगता है, खैर। और ये देखे कितने सारे पटाखे लेके आए हैं, और अब यहाँ भी काफ़ी हद तक महंगाई है, और काफ़ी ज़्यादा जो महंगे इन लोगों ने कर दिए। अब ये कल चलाएंगे, फिर इसकी भी वीडियो बनाऊंगी आपको दिखाऊंगी, बाहर जाके फिर ये चलाएंगे। ज़्यादातर तो इनको मैंने जो है ना फुलझड़ी लेके दी जो ख़तरनाक नहीं है, फिर भी है कि ये इसको जला के कहीं साइड पे फेंक जाए पाँव वगैरह पे या कोई कपड़ों पे, इसकी जो आपको पता जैसे चलाते तो छीट वगैरह ना आ जाए। ये फिर इन्होंने जो है ना ये बाद में फिर इन्होंने कहने के हमने ले नहीं है, ये तो फिर बाद में इनको लेके दिए थे ये सब। बाकी अब जब चलाएंगे वो कल इंशाल्लाह वीडियो बना के फिर आपके साथ शेयर करेंगे, जब चलेंगे नया साल चढ़ेगा तो पटाखे पटूखे चलेंगे, फिर उसकी भी एक क्लिप वीडियो का आपके साथ शेयर करूंगी मैं। चलें जी अब इस वीडियो को करते हैं इधर ख़त्म, और अगर उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पटाखों की अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। कमेंट्स बॉक्स में बताना जी आपको कैसा लगा ब्लॉगर। ये देखें लेटर इन्होंने बहुत अच्छा बनाया है, मुझे बड़ा यूनिक टाइप सा लगा था ये, तो मैंने ले लिया, मैंने कहा चलें बच्चों ने इस्तेमाल भी करना है। और ये पटाखों के पास चला लें इसको, ये देखिए काफ़ी तेज़ आ गया इसकी, अच्छा बना हुआ है। चलें जी इंशाल्लाह फिर नए ब्लॉग के साथ आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़ जी, ओके बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।